नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। पत्नियों द्वारा पति की लंबी आयु के लिए मनाया जाने वाला हिंदू पर्व करवा चौथ झांसी में बुधवार की शाम को परंपरागत ढंग से मनाया गया। इस दौरान पत्नियों ने अपने पतियों की लंबी आयु के लिए व्रत रखा और रात्रि के समय अपने पतियों का चेहरा छलनी से देखकर व्रत तोड़ा। उसके बाद धार्मिक पूजा पाठ और अनुष्ठान संपन्न किए गए। आपको बताते चलें कि पतियों की लंबी आयु एवं आस्था और विश्वास का प्रतीक करवा चौथ का व्रत की कथा श्री कृष्ण ने द्रौपदी को सुनाई थी। कथा करवा चौथ दो शब्दों से मिलकर बना है, करवा यानी मिट्टी का बर्तन और चौथ यानी चतुर्थी। इस त्यौहार पर मिट्टी के बर्तन यानी करवे का विशेष महत्व माना गया है। सभी विवाहित स्त्रियां साल भर इस त्यौहार का इंतजार करती हैं और इसकी सभी विधियों को बड़े श्रद्धा भाव से पूरा करती हैं। करवा चौथ का त्यौहार पति पत्नी के मजबूत रिश्ते, प्यार और विश्वास का प्रतीक है। श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा मानकर द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से ही अर्जुन सहित पांचों पांडवों ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना को पराजित कर विजय हासिल की थी। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।